नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस ने ईवीएम और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि आईपीएल की तरह चुनाव में मैच फिक्सिंग होगी। वहीं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि बैलेट से चुनाव हुए तो कांग्रेस की जीत निश्चित है, जबकि बीजेपी का दावा यह है कि हार के डर से कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है। तो चुनाव से पहले कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में एक रैली में राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका 400 पार का नारा बिना ईवीएम बिना मैच फिक्सिंग के 180 पार नहीं होने जा रहा है। वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम में दिखता कुछ है और छपता कुछ और है। अगर 400 लोग चुनाव में खड़े हो जाएं तो बैलेट से मतदान कराना होगा और जिसमें कांग्रेस की जीत निश्चित है। कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल उठाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को जमानत लायक भी वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि जब कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है तो फिर प्रत्याशी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। देखिए, मेरी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ शुरू से रही है और मैं इस बात को कहता हूं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए मैं उसके खिलाफ शुरू से खिलाफ हूँ। 2003 से मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हम बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहाँ गया। हमारा इतना कहना है कि आप या तो बैलेट पेपर से कराइए या वीवीपैट की पर्ची जो हमको दिखती है, दिखे ना, हमको हाथ में दे दो, हम उसको मतपेटी में डाल देंगे। ये मेरी लड़ाई है कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप? देश कानून से चलता है दिग्विजय सिंह जी। आप चुनाव आयोग की भूमिका निभा रहे हैं तो जाकर के एप्लीकेशन दे दो, मैं चुनाव आयोग में नौकरी करना चाहता हूं। तो ये तो दिग्विजय सिंह तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी बन गई है कि बहाना ढूंढ रहे हैं कि हार का बहाना, जमानत जब्त का बहाना कहां से ढूंढा जाए। तो पहले दिन से ही कहने लग गए हैं। तो ये कांग्रेस के हाल हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। मैंने तो पहले भी कहा है, चाहे मैं स्वयं लगातार 3 बार जीत के आया हूं ईवीएम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जब मशीन की बात आती है तो जब आज के ज़माने में आईफोन जैसे चीज़ें हैक हो रही हैं तो ईवीएम क्या है? चुनाव की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसपे सदैव ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है, पारदर्शिता होनी चाहिए है। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे देश भर में मतदान बैलेट पेपर से किया जाए, ये हमारी मांग हमेशा रहे। और इसी पर चर्चा करने के लिए दिन दहाड़े में मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वंदना त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। रवि सक्सेना कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी, आपसे शुरुआत करूंगी, आप बताइएगा कि कांग्रेस आखिर चुनाव क्यों लड़ रही है? चुनाव कांग्रेस पार्टी आज से नहीं लड़ रही है। जब स्वतंत्रता मिली थी इस देश को और पहले चुनाव हुए थे, तब से हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ रही है? मैं रीफ्रेम कर देती हूँ, बताया ना, थोड़ा धैर्य रखा करिए मनु, थोड़ा दूसरों को भी सुनने दिया कीजिए। आपने मुझसे सवाल किया, इसका जवाब ले लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती रही है, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ती रही है और चुनाव लड़के वो इस देश की जो डेमोक्रेटिक
विरासत है उसको मजबूत करती रही है, क्योंकि संविधान में हमने अधिकार दिया है हर नागरिक को कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे निष्पक्ष रूप से, वो अपने मतदान के मार्फत अपने जो पसंद का नेता है उसको चुने, अपनी पसंद की पार्टी को वो सत्ता के लिए द्वार खोले। अब वो क्या रहा है, जब से मोदी जी आए हैं केवल ईवीएम की बात हो रही है। अमित शाह जी आते हैं, मैं 200 पार कर दूंगा, फिर कहते हैं मैं 300 पार कर दूंगा, फिर आप कहने लगे मैं 400 पार कर दूंगा। तो भाई ये तुमको दंभ आता कहां से, इतना अभिमान इतना घमंड आता कहां से, ईवीएम से ही आता है ना। तभी तो तुम इतनी बात कर रहे हो कि हम 400 हैक कर लेंगे, तो 400 सीटों पे हैक करके हम 400 ले आएंगे। रवि सक्सेना जी, मैच फिक्स है, बैलेट से चुनाव होगा तो ही आप जीत पाएंगे, तो फिर कांग्रेस पार्टी लड़ क्यों रही है? आप कह रहे हैं मैच भी फिक्स है और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम जीतेंगे, ईवीएम से तो मुझे नहीं लगता। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मनु, समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी सदैव इस देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ती रही है। जिस पार्टी ने 200 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया, हम कोई आरएसएस की तरह जो है सावधान विश्राम पार्टी नहीं है। जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे उनकी चाटुकारिता करते थे, अभी भी राहुल जी कह रहे हैं डरो मत, हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ेंगे और लड़कर हम ये जो ईवीएम का तिलस्म है इसको भी तोड़ के रहेंगे। ये आप देख लेना आने वाले समय में, ठीक है, जब इस तिलस्म को खोला जाएगा। राहुल जी ने कहा है कभी भी जो प्रजातांत्रिक मूल्यों के हत्यारे हैं उनको हम कभी भी माफ नहीं करेंगे और उनको ऐसी सजा देंगे कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसका कोई दुस्साहस भी ना कर सके। वंदना जी, ये देश है तो हम हैं, ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए रवि जी। ये जो आप जो अपने चैनल पे जो बातें कर रही हैं, ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र है, संविधान इस देश में आपको बोलने की आजादी देता है। अगर हमारी यही आजादी तो सबको हो जाएगी, संविधान तो बोलने की आजादी आपको भी देता है, मुझे भी देता है, सबको देता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, संविधान ने जो हमको आजादी दी है इस आजादी का हनन नहीं होने देंगे, हम हमेशा सत्ता पे सवाल उठाते रहेंगे। आप मुझे बताएं, एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूँ, इस देश के 14 दल लगातार 14 महीने से चुनाव आयोग से मिलने के लिए बात कर रहे हैं कि हम ईवीएम पे आपसे बात करना चाहते हैं, जो ईवीएम में गड़बड़ियां उन पर हम बात करना चाहते हैं, समय नहीं दे रहे हैं, उनको मिलने के लिए बुला नहीं रहे हैं। भाई क्यों, क्या दाल में काला है, क्या बात है? ठीक है, इस देश के 14 दल जो कि लगभग 38-40% वोट के मालिक हैं, ठीक है, उन लोगों को आप बुला नहीं रहे, तो आखिर क्यों नहीं बुला रहे हैं? भाई बुलाइए ना, उनकी बात सुनिए। ठीक है, मतलब आप ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, यही कह रहे हैं आप? सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका जवाब देना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। ठीक है, आप उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है रवि सक्सेना जी, मैं वंदना जी से जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी, रवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंस नहीं, अभिमान के साथ कह रहे हैं कि 400 पार आप कर देंगे इस बार, वो इसलिए क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में सारा मैच फिक्स हो चुका है राहुल गांधी के मुताबिक। जी नमस्कार मनु जी, नमस्कार रवि जी। देखिए मनु जी पहले तो मैं रवि जी को एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस एक सामाजिक संस्था है। दूसरी बात, ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम पर लगा रहे हैं, अभी मैंने एक प्रवक्ता का वक्तव्य सुना था कि वो कह रहे थे कि मैं 3 बार चुनाव लड़कर आया हूँ, लेकिन तो भी मैं ये मानता हूँ कि ईवीएम को चेक कराना चाहिए। प्रवक्ता नहीं, वो दिग्विजय सिंह के बेटे थे, जयवर्धन सिंह जी। मुझे स्क्रीन पे विजिबल नहीं था तो मैं, क्षमा करें, मैं देख नहीं पाई थी। तो मैं एक बात स्पष्टता से आपसे पूछना चाहती हूँ रवि सक्सेना जी, कि कृपया करके ये बताएं कि जब तक आप जीत रहे थे, आपकी सरकारें बन रही थी, तब तक आप ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाते थे? 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, तब से ही आपको ईवीएम में गड़बड़ियां क्यों दिखने लगी है? आपको ये नहीं दिखाई देता कि ईवीएम के माध्यम से जब चुनाव होते हैं तो कितने सारे प्रशासनिक तंत्र, जो पहले बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो जो लग जाते थे, उन्हें हम उनको बचा रहे हैं। हम उस एक जमाने में भी जिए हैं जब बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, तो क्या आप चाहते हैं कि हम फिर से पुराने पिछड़े जमाने में चले जाएं?
आपको ये देखकर खुशी नहीं होती है कि देश आगे की ओर बढ़ रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तो आप क्यों बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? आप भी तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव जीतते हैं, वहां ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, सिर्फ आप लोगों ने ये एक चुनावी मुद्दा उछाल के रखा है कि ईवीएम गड़बड़ी है, क्योंकि अब आपके पास जीतने के लिए कुछ नहीं है। देखिए दिग्विजय सिंह जी की जमानत जब्त होने वाली है और इस बार वो इतनी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे कि इसके बाद तो वो राजनीतिक संन्यास लेने के लिए बिल्कुल अग्रसर हो जाएंगे। जनता उन्हें जवाब देने वाली है और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि चार पार करेंगे। उसका कारण है उसका कारण है हमारी जो विकास की योजनाएं हैं, हमारे जो पार्टी के नेता बूथ बूथ पर जाकर मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा 65,500 से ऊपर जितने हमारे बूथ थे उन सब पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारे जो मतदाता हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्हें विकास की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, उन्हें लाभार्थियों को उन योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, मतलब ईवीएम के भरोसे नहीं, आप अपने विकास के कामों के भरोसे आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा विश्वास करते हैं और 400 पार। ठीक है रवि जी, छोटा सा जवाब दे दीजिएगा फिर मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी को शामिल कर रही हूँ, छोटा सा जवाब क्योंकि आप बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। रवि जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले लालकृष्ण आडवाणी जी से लेके और आपके सारे नेता ईवीएम पे प्रश्न उठाते थे, किताबें लिखते थे, और क्या क्या आपने बितंदड़ा नहीं किया है ईवीएम के लिए। तो तब तो आप कहते थे, तब तो आप कोई बात नहीं करती थी, तब तो आप यही कहते थे कि साहब ईवीएम है उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीतती है। जब अटल बिहारी जी का नारा फेल हो गया था शाइनिंग इंडिया और वो धाराशाही हो गए थे, तब आप कह लगे कि नहीं था वो तो ईवीएम की वजह से कांग्रेस पार्टी जीतती। ठीक है, तो इस तरह की वंदना जी वो कह रहे वक्त वक्त की बात है, जब आप जीत रहे थे, जब कांग्रेस जीत रही थी तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते थे, छोटा सा जवाब दीजिएगा। अब मनु मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप सुन लीजिए मेरी बात। रवि जी एक सत्य प्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको शामिल कर लूँ फिर मैं पूरा मौका दूंगी। रवि जी अगर आप ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो आप उन कार्यकर्ताओं पे भी तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जो आपकी पार्टी छोड़ छोड़ कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं, उन्हें कचरा कूड़ा कहकर बुलाते हैं, वो क्यों छोड़ कर आ रहे हैं? देखिए एक एक कार्यकर्ता के पास बहुत सारे वोट होते हैं, उनका एक जमीनी स्तर होता है और वो अपने साथ वोट लेकर आते हैं। तो हमने तो ये बोला है कि हम हर बूथ पर 370 से ज्यादा वोट लेके आएंगे और हम लाभ कर रहेंगे, चाहे आप ईवीएम का गाना गाएं या जो भी हो, जनता सब जानती है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया, आपकी तरह झूठे मुद्दे नहीं उठाए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है रवि जी एक मिनट रुक जाइए, रवि जी मैं सत्यप्रकाश जी को शामिल कर लेती हूँ। रवि जी ये सूखा गीला और मेडिकल रवि जी ये तो हम तो आप कर रही हैं उनका, हमने तो उनको देखा ही नहीं। ये बता रही है कि आपके प्रश्न जितने भी प्रश्न है सब झूठे है, आप झूठे प्रश्न उठाते हैं। रवि जी ठीक है, वंदना जी वंदना जी रवि जी मुद्दा है तो पार्टी का नाम ही है बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी और उसी को आप बिलोंग करती है, तो झूठ तो आप ही बोलते हो। पूरे देश में अगर निकाल के देख लो कि झूठ कौन बोलता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। रवि जी वंदना जी अब एक मिनट रुक जाइए, सत्यप्रकाश जी को शामिल कर लीजिए। रवि जी एक मिनट, रवि जी एक मिनट रुक जाइए, सत्यप्रकाश जी ठीक है, रवि जी रुक जाइए ना प्लीज रुक जाइए। अभी डरते नहीं है हम लोग, इसीलिए नहीं डरते हैं, निडरता से अपनी बात रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सत्यप्रकाश। मैं ओवरलैप नहीं करना चाह रही हूँ आपकी आवाज, इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रुक जाइए। सत्यप्रकाश शर्मा जी दो प्रश्न हैं, पहला ये कि क्या कांग्रेस मुद्दे से भटक गई है, क्योंकि कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए तो हम जीत जाएंगे। एक मुद्दा कोई है ऐसा जो जनता के बीच में लेकर जा रही है कांग्रेस, और 1952 से आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी सीट पर 400 से ज्यादा प्रत्याशी रहे हों और यह संभव हो कि ईवीएम से नहीं फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ेंगे? देखिए मनु जी, कांग्रेस जब सत्ता में थी 91 में, तो आपको याद हो कि ईवीएम को इंट्रोड्यूस उसी ने किया था पहली चीज। अब बात आती है दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह ने ये कल नहीं कहा है, वो लगातार इस चीज पर प्रश्न उठा रहे हैं। शायद आपको याद होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 100% वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के मामले में एक PIL में नोटिस इशू की है, एक चीज। अब बात आती है कि कांग्रेस आखिर इस मुद्दे पर क्यों जा रही है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है?
वो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इलेक्शन बैटल में जा रही है। तो उनकी मांग को अगर कंसीडर कर किया जाए तो मैं समझता हूं ये ज्यादा बेहतर हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टीज हो, एक बात। लेकिन कांग्रेस यहां पर दो तरफा दिखाई देती है कि जब वो कर्नाटका में जीतती है, हिमाचल प्रदेश में जीतती है, या 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतती है, तब इस चीज पर प्रश्न क्यों नहीं उठाती है? तो ये कहीं ना कहीं वो गिर जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का पार का दावा है, आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण ले, चूंकि मध्य प्रदेश में डिबेट में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के इलेक्शन में 150 पार का नारा दिया था, पब्लिक ने उनको चाहा, 163 सीट दे दी। तो उनका उत्साह है, उनका ये उत्साह कहता है कि उनकी जो स्कीम्स हैं, चाहे स्टेट की हो या सेंटर की, उन पर लोग भरोसा कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इतनी सारी सीटें जिता रहे हैं। इसलिए उनका ये आकलन होना लाजमी है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि पहले वो 303 लाए, अब की बार वो 370 की बात करते हैं या एनडीए के लिए। सत्यप्रकाश जी, एक तरफ ये कहना कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो बीजेपी 180 भी पार नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या है? बैलेट पेपर से तो चुनाव हो नहीं रहे, चुनाव तो ईवीएम से हो रहे हैं, तो क्या आप स्वयं पहले ही हार मान चुके हैं? क्या परसेप्शन बना रहे हैं आप जनता के बीच में? देखिए, हम आधुनिक जमाने में है, टेक्नोलॉजी की एज में चल रहे हैं, ऐसे में हम परंपरागत चीज जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, ट्रांसपोर्टेशन बैलेट बॉक्स का होना बहुत कठिन है, ऐसे में और रिमोट एरियाज में इन चीजों पर काम करना भी कठिन होता है, इलेक्शन कराना। बिल्कुल। तो अगर कुछ सुधार होते हैं तो वो बुरे नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की एक बात आती है कि इलेक्शन कमीशन, मैं बार बार कह रहा हूं, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, अकाउंटेबल किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, देश की जनता के लिए। अगर कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसका निराकरण होना चाहिए, भले ही बैलेट। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि ये आवाज 2018 में क्यों नहीं उठी, जब मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, कि हम तो गलती से जीत गए, और ये सब आवाज फिर हिमाचल में क्यों नहीं उठी, ये आवाज फिर कर्नाटक में क्यों नहीं उठी? देखिए, ये मैंने कहा है, 2019 में आपको याद हो कि इलेक्शन कमीशन ने 5% काउंट करने का लिए, वीवीपैट काउंट करने का एक नियम दिया था, तो ये आखिर क्यों देना पड़ा? कहीं ना कहीं इलेक्शन जो पार्टीज हैं जो इलेक्शन में जा रही हैं, डिमांड पड़ गया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दिग्विजय सिंह कितने हार रहे हैं, कितने जीत रहे हैं, ये सेकेंडरी है, लेकिन ये तय है कि वो उन्होंने इलेक्शन बैटल में है, इसलिए नहीं वो इस मुद्दे को उठा रहे, वो लगातार इस मुद्दे को कई एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी वो आते हैं। ये फॉर्मूला अभी आया है, ये फॉर्मूला भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बोला, उन्होंने 400 बोला था, उन्होंने 384 बोला था, और यहाँ दिग्विजय, तो हालांकि ईवीएम को लेकर तो दिग्विजय हमेशा से मुखर रहे हैं, वो बोलते ही रहे हैं, लेकिन 384 वाला फॉर्मूला वो लेकर आए हैं कि 384 से ज्यादा अगर खड़े हो जाएंगे प्रत्याशी तो मजबूर हो जाएगा चुनाव आयोग कराने के लिए बैलेट पेपर से। लेकिन रवि सक्सेना जी, सवाल तो यही उठता है ना कि 2018 में जब आप जीत रहे थे तब को ईवीएम आपको ठीक लग रही थी, जब जीतेंगे तो चुनाव आयोग ठीक है, लेकिन हारेंगे तो फिर दिक्कत है, ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो रही है। आपको स्वयं मालूम है, आप, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे ये बात कही थी कि आप सारे सर्वे उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी हर सर्वे में। केवल एक सर्वे था जो कि बता रहा था कि हाँ, थोड़ा सा बीजेपी की सरकार बन सकती है। आखिर में आज तक पे, तीन दिन पहले रिजल्ट के, तीन दिन पहले आज तक पर ये आदेश दिया गया कि 163 सीट अनाउंस कर दो। वो खुद कह रहा कवर कि भैया ये क्या खेलवा रहे हो मुझसे, मेरी पत्रकारिता पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उनने कहा जो हम कह रहे हैं वो करो, किया, और आपने देखा कि 163 सीटें आई। तो भाई ऐसा कौन सा आपके पास जोची भी नहीं कह सकता कोई बड़े से बड़ा कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो दावा है वो कहीं ना कहीं आपकी ईवीएम में तो आप सेटिंग करके रखते हैं। नहीं तो रवि जी, इस हिसाब से आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में आप एक भी सीट निकाल लेंगे इस बार? हम 8 से 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, आप समझ लीजिए। कैसे? जो अभी कह रहे हैं ईवीएम से हो रहा है, बैलेट पेपर से नहीं हो रहा। देता हूँ आपके चैनल पे, अगर दिग्विजय सिंह जी हार जाएंगे और जमानत जब्त हो जाएगी जैसी आप बोल रहे हैं,
तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप फिर चैनल पे आना बंद कर देना। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्डेड है। जब करा दोगी तो भारतीय जनता पार्टी, मैं कराने वाली कौन हूँ वो राजगढ़ की जनता समझे, मैं कराने वाली कौन होती हूँ रवि जी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था ये, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो हमारे लिए स्थिति बेहतर होगी, तो आप अब ईवीएम की स्थिति में भी आप कह रहे हैं कि 8 से 10 सीट आप निकाल लेंगे। बिल्कुल, हम जीतेंगे और शाम के साथ जीतेंगे। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी, बस लास्ट कॉमेंट। देखिए मनु जी, इनने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही दे दिया। ये कह रहे हैं कि ईवीएम से होगे तो भी हम जीतेंगे, इसका मतलब ईवीएम सही है। देखिए जिन जिन राज्यों में ये लोग चुनाव जीत जाते हैं वहां पे कभी भी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन फिर से मैं इनको एक बात स्पष्ट कर दूं कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त होगी, हमारे प्रत्याशी जी वो संकल्प ले चुके हैं कि वो छोड़ देंगे हार का डिबेट पे आना। बिल्कुल, आप तैयार रहिए कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और आपने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो आप छोड़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारे प्रत्याशी इस बार दिग्विजय सिंह जी को जमीन दिखा देंगे कि कार्यकर्ता भाव क्या होता है और जनता क्या होती है, और जनता के हित में कार्य करने वाली जो योजनाएं हैं वो किसी भी नेता से ऊपर है, किसी भी परिवार से ऊपर है, किसी भी तुष्टिकरण से ऊपर है। आप चाहे जितना प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, ईवीएम सही है तभी आप बोल रहे हैं कि 8 से 10 सीटें आएंगी, और आप अगर ये कह रहे हैं कि 8 से 10 सीटें आएंगी तो इसका मतलब आप झूठा है। ठीक है रवि जी, वंदना जी, माफी के साथ मैं आप दोनों को टोक रही हूँ, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यप्रकाश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ईवीएम को लेकर बवाल जारी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण को 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को पता चल जाएगा कि आखिर दिग्विजय सिंह अपनी सीट निकाल पाएंगे या फिर नहीं। आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में किसी नए मुद्दे के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।